नमस्कार। बचपन में टीचर कहते थे रीडिंग करो रीडिंग करो रीडिंग करो, रीडिंग के बहुत फायदे हैं। अभी भी प्रेजेंट टाइम में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति सबको एक ही सलाह देते, एक ही एडवाइस देते हैं कि रीडिंग करो। रीडिंग का मीन आप क्या समझते हो? कि सिर्फ बुक्स पढ़ना? नो, नेवर। रीडिंग का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना ही नहीं होता है। रीडिंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? रीडिंग का मतलब होता है नॉवेल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, फिक्शन पढ़ना या कोई आर्टिकल पढ़ना। यह होता है रीडिंग का मतलब। रीडिंग का मतलब यह नहीं कि अपने जो किताबें होती है बुक्स उसी को पास रीडिंग करते जाना। रीडिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको टाइम नहीं होता है फिर भी वो घंटा या आधा घंटा अपने रीडिंग के लिए निकाल देते हैं। आप कहोगे सर वो इतना पैसा कमाते हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन और फिर भी रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रीडिंग? व्हाई डू दे रीड बुक्स? रीडिंग के बहुत फायदे होते हैं, बहुत बेनिफिट्स होते हैं। रीडिंग के क्या फायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं अपन देखते हैं। आइए, रीडिंग हैबिट। अगर आपकी रीडिंग करने की हैबिट है तो आपके अंदर क्या बेनिफिट्स होंगे और ये जो रीडिंग करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या आपके जीवन में अच्छा होता है ये देखिए। सबसे पहले देखिए आप एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। आप रीडिंग करते हो, बुक्स की करते हो, नॉवेल की करते हो, फिक्शन की करते हो या किसी मैगजीन्स की करते हो, क्या होता है? आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होती है? आप तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हो, तरह तरह की बातें दिमाग में आती है, तरह तरह के आपको सोचने पर विचार होते हो, तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज कम्स इन योर माइंड्स। तरह तरह के आइडिया आपके माइंड्स में आते हैं, आप तरह तरह की चीजों को समझते हो। मतलब ये एक तरह से आपके माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो ना तो सिर्फ वो एक चीज से रिलेटेड होगी, बुक्स पढ़ोगे। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब आप नॉवेल पढ़ोगे, जब आप फिक्शन पढ़ोगे, जब आप मैगजीन्स पढ़ोगे तो हर तरह का मसाला आपके माइंड में जाएगा। और जब हर तरह का मसाला आपके माइंड में जाएगा तो आपको एक क्रिएटिविटी दिमाग पैदा होगी, एक तरह का एक सोच आपके दिमाग विकसित होगी। अरे यार कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक आपके जो ब्रेन है ना एकदम एक्सरसाइज हो जाएगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। सेकंड, दुनिया की समझ। रीडिंग करने से क्या होता है आपको? एक दुनिया की समझ होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, इस वर्ल्ड में आने वाला क्या है, आने वाले की क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या होगा, किस चीज की आवश्यकता आने वाले समय में ज्यादा होगी, आपको दुनिया की समझ होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप रीडिंग करते होंगे, आप तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं, आप तरह तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप तरह तरह के मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप तरह तरह की फिक्शन पढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे तरह तरह के नॉलेज आपके दिमाग में आएंगे और आपको एक दुनिया की अच्छी गहरी पेट समझ होगी। अगर आप बाहरी नॉलेज से अगर आप अवेयर नहीं हो, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, तो आप, दावा है मेरा आपसे, आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं पा सकते हो। सक्सेस पाना है तो अपने आस पास और इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे आपको अपडेट रहना होगा। अगर आप इन चीजों से अपडेट नहीं है तो यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो रीडिंग करने का सबसे पहला बेनिफिट और सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या होता है? आपको दुनिया की समझ आती है। और दुनिया की समझ ऐसे आएगी ना कि ये जो आप, मैं जो आप बता रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हो, ये जो रीडिंग करते हैं ना, बुक्स पढ़ना, नॉवेल पढ़ना, फिक्शन पढ़ना, तरह तरह के न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ये हर कोई नहीं पढ़ते। एक सर्वे आया था कि सिर्फ 100 में से 20% लोग ही ये पढ़ते हैं। और ये पढ़ने वाले लोग क्या होते हैं, इनका ब्रेन तेज होता है, इनको दुनिया की समझ होती है।
अगर आपको दुनिया से आगे चलना है, आपको दो कदम आगे चलना है, तो आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी होगी अपने अंदर, तभी आप आगे निकल पाओगे। थर्ड, बोलने की स्किल्स बढ़ाती है। रीडिंग की हैबिट क्या करती है पता है आपको? कैसे बोला जाता है, अपने बोलने की कला को सुधारती है। जब आप रीडिंग करते हो ना, तरह तरह के वर्ड्स आपके सामने आते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं कि उन वर्ड्स को अगर आप बोलोगे ना, तो सामने वाले के ऊपर एक इंप्रेशन पड़ता है, एक इफेक्ट, एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। नहीं यार वाह, अपन आप कहीं सेमिनार में गए होंगे, बहुत बड़े विद्वान लोग, बहुत वो जो ऑथर होते हैं वो अपना लेक्चर देते हैं, पता है वो आपको, वो ऐसे ऐसे वर्ड निकाल के लाते, तरह तरह के वर्ड निकाल के लाते। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, लेखक, जाने माने लेखक, और जो वो इंग्लिश बोलते हैं ना, पता है आपको, अच्छे अच्छे लोग डिक्शनरी निकालते हैं, जो इंग्लिश में फॉरवर्ड होते हैं और मास्टर होते हैं, वो भी डिक्शनरी निकालते हैं, वर्ड देखते हैं। तो ये सब कैसे किया शशि थरूर ने? सिर्फ रीडिंग की हैबिट। और जब इंग्लिश बोलते हैं ना, तो आप बाकायदा क्या बोलते हैं, सुनने वाला सुनता रह जाता। तो यह सब कैसे डेवलप होता है? कहीं से डेवलप नहीं होता है, सर रीडिंग की हैबिट से होता है। अगर आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करोगे ना, तो आपके बोलने की कला, बोलने की स्किल्स में निखार आएगा, और आप सामने वाले को यूं चुटकियों में प्रभावित कर लोगे, अपने बोलने की कला से उसको मंत्रमुग्ध कर दोगे। फोर्थ, विनम्र बनाता है। रीडिंग की हैबिट अगर आप में है, तो ये एक रीडिंग की हैबिट पता है आपको, विनम्र बनाने का काम करती है। और अगर आप जीवन में विनम्र हो ना, तो विनम्र सबसे बड़ी ताकत है। विनम्रता से अच्छे अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के, जिस इंसान के अंदर अहंकार भरा हो ना, वह इंसान कुछ नहीं कर पाता। अहंकार से छोटे छोटे कार्य भी बिगड़ जाते हैं, और विनम्रता से बड़े बड़े कार्य भी बन जाते हैं। यह फर्क होता है विनम्रता और अहंकार में। अब आप कहते हो सर रीडिंग से विनम्रता कैसे आती है? जब आप रीडिंग करते हो, बुक्स पढ़ते हो, फिक्शन पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ते हो, स्टोरीज पढ़ते हो, मॉरल स्टोरीज पढ़ते हो, तो उन सब की एक ही बात बताई जाती है कि जीवन में विनम्र रहना चाहिए। और विनम्रता से क्या क्या हासिल किया जा सकता है? तो ये जो रीडिंग की जो हैबिट होती है ना, आपको विनम्र बना। तो आज आपने देखा होगा कि रीडिंग करने की क्या हैबिट है, क्या बेनिफिट है। इसलिए जीवन में आप क्यों सर हम बिजनेसमैन है और हमें टाइम नहीं मिलता, और ये आप अपने दिमाग से निकाल देना। बड़े बड़े लोग भी टाइम निकाल कर रीडिंग करते हैं, क्योंकि रीडिंग के ये सारे बेनिफिट हैं। इसलिए जीवन में हमेशा रीडिंग करते रहना।